नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं बिहार की एक खबर पर। अररिया से भाजपा उम्मीदवार प्रदीप सिंह चुनाव जीते हैं। समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला और जीत के बाद प्रदीप सिंह ने जताया मतदाताओं का आभार। अररिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी शहनवाज आलम को लगभग 20,000 वोट से पराजित किया है। हालांकि अभी जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन तीसरी बार जीत दर्ज की गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता का मन होता है ना, और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तीसरी बार अररिया जिला के संपूर्ण जिलावासी ने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे अररिया का आभार। और चुनाव में हार जीत तो होती ही रहती है, परंतु मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने जो काम किया, मेहनत किया, उसी का परिणाम है। और जब 5 साल कोई काम करता है तो एंटी इनकम्बेंसी बनता है। और मैं समीक्षा करूंगा कि बड़ी मशक्कत से जीत हुई, क्यों हुई, नहीं हुई, इसको मैं जरूर देखूँ। ये अब की बार 405 का नारा दिया था आपने, लेकिन हर जगह जो है मायूसी ही हाथ लगी। अब की बार 405 का नारा था, और इसलिए नारा था कि प्रधानमंत्री जी ने देश के हित के लिए जो काम किया उन्होंने, वह सबके सामने में। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आपके सामने में 101 लाख टन सोना देश से वापस लाया, विदेश से, जो गिरवी रखा पड़ा था कितने दिनों से। आज देशवासी इन बातों को भी समझना चाहिए। ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया, इसलिए हम लोगों ने नारा दिया था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि अब की बार 400 पार। अभी रिजल्ट भी पूर्ण नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा इंतजार करिए। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही बिहार से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।